हाँ जी, क्या चल जय श्री राम। तो फिलहाल मैं विश्वास करता हूँ सबका आज की एक नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, जैसे कि आजकल गर्मी आप लोग देख ही रहे कितनी ज्यादा पड़ रही है, पसीने के मारे मैं तो पानी पानी हो जाता हूँ और ऊपर से कमीज पहन के वीडियो बनानी पड़ती है। तो बिना किसी बात के फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। समर इन इंडिया बाय एनिमेटर भैया। ओए, बाहर गर्मी है और तू अंदर बैठ के वीडियो देख रहा है। मम्मी ने जो पानी की बोतलें भरने को दी थी वो भर दिया। चल कोयरा, ये ले नारियल पानी और वीडियो एंजॉय कर। एक टाइम था जब मुझे समर वेकेशन बहुत पसंद हुआ करता था, तरबूज खाना, वाटर पार्क और फैमिली ट्रिप टू गोवा। और अब आज मौसम बहुत सुहाना है, आज में नंगे पाँव बाहर जाएगा। गर्मी हाँ मम्मी, ये देखो ये देखो, माइकल जैक्सन वापस जिंदा हो गया। देखो हम सबकी जान इधर निकली हुई है गर्मी के। वैसे मैं इनकी एनिमेशन सबसे पहली बार देख रहा हूँ। पहली बात तो वीडियो की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब बढ़िया है, अभी तक इंटरेस्ट बना हुआ है। अग्नि चल रहा, जबकि कुछ लोगों ने इस गर्मी में भी अपना बिजनेस निकाल के रखा है। बोनेट फ्राई, बोनेट फ्राई, सिर्फ 10 रुपया, सिर्फ 10 रुपया। अयो अम्मा, एक एक कर क्या हो रहा है? नमक डाल दिया। एक एक कर क्या हो रहा है? तू पैसे दिया मैंने, किधर जा रहा है? तेरे को भी पकाऊं, चल चल। एक चीज देख रहे हो तुम, इनकी मतलब एडिटिंग, इनकी एडिटिंग ना थोड़ी नेक्स्ट लेवल है। मतलब नया कुछ ट्राई किया इन्होंने, मतलब मैनुअल हैंड्स ये लेके आ रहे हैं, जैसे एजुकेशन वीडियोस वगैरह में यूज करते हैं, उन वाली भी जो है ना वो चीजें बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। 10 रुपए निकाल। भाग भाग, एक बुर्जी, एक ऑमलेट, हां बोनेट फ्राई, बोनेट फ्राई, आ जाओ बोनेट फ्राई। तुमने सुना आज कोई मेहमान आने वाले हैं? सच्ची में? काश आइसक्रीम लाए यार वो। एक मिनट यार, ये कर दिया 5। ओए ओए दीदी, ये क्या किया तूने? 4 की स्पीड सही है, 5 में बहुत ज्यादा हवा आ रही है। अब सही है, और बदलना मत तू। अरे अरे, इतना तेज क्यों चला रहे हो? इतनी भी गर्मी थोड़ी है। ये सही स्पीड है। ये क्या है? तू किस स्पीड? इस स्पीड में तो हवा को भी हवा नहीं आई यार पापा। क्या बात कर रहा है बेटा, आ तो रही है सीधे। भाई जो कमाता है, जो बिल पे करता है उसे ही बताए। तो बैठ जाओ एसी ऑन करके। सीधे बोलो ना, आपको बिजली का बिल नहीं भरना। लगता है मेहमान आ गए। बेटा गर्मी बहुत है, मैं ये आइस कैंडी लाया हूँ, चूस ले बेटा, ठंडी ठंडी आइस कैंडी। अब गर्मियों में भी ना लड़कों और लड़कियों का भी अलग ही फैशन होता है। लड़कियां ऐसे 4-5 डब्बे लेके आएंगी। गर्ल ये ले सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, वेपराइजर, आई क्लीनर, क्लेंजर, सेरम, ट्रीटमेंट, जेल, वैक्स। भाई साहब ये मेगा वो सामान नहीं हो गया, पराठा हो गया, आलू पराठा, मूली पराठा, मेथी पराठा, लहसुन पराठा, ये पराठा, वो पराठा, ऐसा पराठा, आम पराठा, केला पराठा। असली? और हम लड़के? ये शर्ट निकल के मेरे रूम में क्या कर रहा है तू? गर्मी दीदी, गर्मी में पूरे बदन को हवा चाहिए। आ जा तू भी मेरे साथ सो जा। साले वापस मत सोइए इस पे, मेरे लुई बटन की बेडशीट पे नंगा सो लिया। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को एक ट्रू स्टोरी जो मेरे साथ गर्मी की वजह से हुई थी। तो ये बचपन अच्छा। की बात है, गर्मी बहुत थी, अपने घर पे एसी नहीं था, बट मेरे घर के पास ही एक एटीएम था। अब एटीएम में एसी होता है, तो मैंने सोचा मैं इनमें से किसी के साथ धीरे से एटीएम के अंदर घुस जाऊंगा। तो एक अंकल दिखे मुझे, मैं उनके बाजू में रुक गया। फिर एक और अंकल आए मेरे पीछे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने स्माइल किया, मैंने भी स्माइल किया, और उस एटीएम में थोड़ी लाइन लगी थी, तो ये दोनों अंकल एक दूसरे से बात करने लग गए। मैं अभी भी इनके बीच में खड़ा हूँ, तो मैं ये वाले अंकल के साथ अंदर चला गया। हाँ बेटा, और कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? 8वीं क्लास। बढ़िया बढ़िया। ओ भाई जरा आप मेरी मदद कर दोगे? ये चल नहीं रहा है। जरूर भाई, ये लेजे चल गया। आप तो बड़े स्मार्ट हो सर, आपका बेटा बड़ा होके भी आपके जैसा ही स्मार्ट होगा। जी जी, क्या क्या, ये आपका बेटा नहीं है? मुझे तो लगा था ये आपका बेटा है। तो ये किसका लड़का है? एसी वाला प्लान नहीं चल भाई साहब, एसी खाने के लिए। वैसे भी होता है, ये चीज होती थी, हम लोग ना सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे साथ कुछ बच्चे होते थे, उनको बहुत ज्यादा दूर जाना होता था भाई, वो लिटरली SBI बैंक था उसके अंदर घुस जाते थे, आधा आधा घंटा तक बैठे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे लाइनें तो लगी रहती है, काम धाम तो वो करते नहीं यार, लंच का टाइम हो रहा था, मतलब उस टाइम में उनका काम धाम ये ज्यादा बोल दिया, मतलब उनका लंच का टाइम हो रहा था, आराम से बैठे भाई, एसी में कोई लेना देना ही नहीं है भाई, सही है। तो मैं घर गया, हमारे पास एक मरमर के चलने वाला फ्रिज था, वो खोला, ये सोच के कि इसमें एटलीस्ट एक पानी की बोतल हो, एंड मैंने ओपन किया तो आइसक्रीम, आइसक्रीम, इतने सारे आइसक्रीम, ओ माय गॉड, मैं स्वर्ग में हूँ क्या? हमारे गरीब खाने में इतने सारे आइसक्रीम। क्या मटर? इसमें भी मटर? मटर क्या कर रहे हैं इधर? फ्रीजर खोलेगा।
वाह वाह, काम धंधा तो करता नहीं है, इतनी मेहनत से भर के हुए सारे मटर गिरा दिए। नालायक बच्चा, तुझसे अच्छा तो वो शर्मा जी का कुत्ता है, तेरे से तो कम ही लगता है और तू किसी काम का नहीं है। तू पता नहीं गर्मियों में मेरे को पहले ही बाहर जाने का मन नहीं, ठीक है, और इसमें अगर कुछ वर्स्ट लगता है मुझे तो वो है शादियाँ। किसको ये सही लगता है कि हाँ भाई तपती धूप में शादी करते हैं? पता है तुम दोनों को सहा नहीं जा रहा, तुम लोगों को वो करना है, बट रात को भी तो शादी रख सकते हो ना। अच्छा रात को, चल चल रात को ही रखते हैं फिर हम अपनी शादी, आ जाइयो ठीक है। हाँ लेकिन मुझे नहीं यार, मुझे शादियाँ पसंद नहीं। ये तो प्रदीप बेटा है। ए बेटा तू वो क्या करता है? एनिमेशन। अरे वो कार्टून ना। हाँ कार्टून बोल सकते हो। वही जिंदगी बर्बाद करके बेटा अपनी। बोला था इसे डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, कितना कमा लेता है? हम एक कुछ 2-4 रुपए कमाता होगा, बस सही तो आया होगा इधर भी। ओ भाई तू इधर है, मुंबई की फ्लाइट लेट हो रही है तेरी, चल चल। ए फ्लाइट? हाँ वही फ्लाइट जिसको देख के आप अपने बच्चे को खाना खिलाते हो। वो देख बेटा आसमान में फ्लाइट जा रही है। अब आएगा ऐसा टाइम जब हम भी बोल पाएंगे वही वाली फ्लाइट। ओह माय गॉड भाई, वाह वाह वाह, ये काट के सिग्मा एडिट कर दूंगा। हैशटैग सिग्मा, हैशटैग स्किबिडी टॉयलेट, 1 मिलियन व्यूज, वाह वाह वाह। साला इतना तो मेरे भी नहीं आता है। एक तो ना गर्मियों में तुम्हें अगर बाहर जाना भी है तो तुम्हें कपड़े भी, जो बंदा फेमस जाता है ना उसके भी नहीं आते व्यूज ज्यादा जितने एडिट करके डाल देने वालों के आते। भाई मैंने ऐसे ऐसे पेजेस देखे भाई, मिलियन मिलियन में व्यूज आ रहे हैं उनके। बताओ कपड़े भी काफी केयरफुल होकर पहनना पड़ेगा। मैंने देखा इतनी गर्मियों में ना लोग एस्थेटिक कपड़ा पहन के घूमता है, बैगी जींस, ओवर साइज टी शर्ट, आईयो। और मैं यहाँ अपनी वही सस्ता कपड़ा, मतलब बैगी जींस तो चलो चलती है, खुली खुली होती है, हवा आती है, ये ओवर साइज टी शर्ट्स का ना मेरे को मतलब ज्यादा ही, पहले तो मैं भी बहुत ज्यादा पतला हूँ, मेरे को अजीब सा लगता है कि इतने ज्यादा पहले हम पतले और इतने ज्यादा ही खुले पैर भाई, कुछ ज्यादा ही होती है बैगी खुली, और ऊपर से पहन लेंगे जो वेल्डिंग करने वाला चश्मा होता है भाई, वो यार एस्थेटिक है भाई। बाहर गया गर्मी में पसीना आया, अब वो काफी नहीं था तो तुमने अगर काले कपड़े पहने हैं ना तो वो पसीना बाद में सफेद कुछ हो जाता है ये। और भाई साहब ये जो पसीना ये न्यारा सफेद हो जाता है, मैं बैग पहन के बैग टांग के ऑब्वियसली बैग टांग के जब इधर उधर जाता हूँ तो जब घर आता हूँ या कहीं भी होता हूँ भाई वो पसीना पीछे से नमक लग जाता है भाई पूरा, यू लिटरली गर्दन में भी ऐसे हाथ पैर की रेता रेता लग। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ भाई जिन लोगों का बीपी हाई है मेरे हाथ है नमक निकाल के। वाह वाह मम्मी क्या लग रही हो आप, क्या चाहिए? कुछ खाना बनाया आपने? घर में पंखा चल रहा है? नहीं। पानी आ रही है? नहीं। गैस के पास जाके देखा तूने कितनी गर्मी है? नहीं। तो तुझे जब पता है कि घर में कुछ ढंग से चल नहीं रहा है और तू मेरे से आके पूछ रहा है मम्मी खाने में कुछ बना है क्या, मशीन लगते हो कि इंसान? नहीं अभी क्या नहीं, चल भाग यहाँ से, कोमेटो बिग्गी कर ले, पैसा है ना तेरे पास, कुछ लैमिनेशन करके जो कमाता है। अच्छा ठीक है। जब तुम गैस के आके खड़ते हो ना भाई ऐसा पसीना, ऐसी गर्मी, ऐसी हीट, असंभव लगता है भाई। फिर भी यार वो लोग 3 टाइम का खाना बनाते हैं, लगभग वो सारी माएं 3 टाइम का खाना बनाते हैं भाई इतनी गर्मी में। अंदर पंखा चला के तो ऐसा है नहीं कि तुम वो लगाओगे, क्या कहते हैं कुछ लोग जो ज्यादा रही से एसी लगा लेंगे, चलो माना उनकी बात है, पर फिर भी भाई नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। हेलो लता जी। हाँ कल का एपिसोड देखा मैंने, अरे वो तो डिजर्व करती है। अब देखो ये है, पर भाई चाहे जो मर्जी हो भाई, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये कितना ही अच्छा काम करे, अपनी बहनों कर लेंगे, अपनी मम्मियों कर लेंगे, मम्मी अपनी बेटियों कर लेंगे भाई, इनकी ऐसे नेटवर्क होता है ना इतना तगड़ा नेटवर्क, अगर मेरे ये नेटवर्क का यूज करके मेरे चैनल को अगर ये प्रमोट करे ना तो भाई मैं लिटरली करोड़ों में मैं भी फ्लाइट में उड़ू भाई इनकी तरह। तुम क्या बात कर रहे हो भाई, इतना खतरनाक नेटवर्क होता है ना लिटरली, तुम उन्हें सोची ना होगी भाई, हमारा तुम्हारा नहीं होता, लड़कों का भी नहीं होता इतना तगड़ा भाई, इनमें तो लड़ाई हो जाती है अगर तुमने ये लाइक नहीं करी फोटो तो, इस चक्कर में भाई लिटरली सच्ची कह रहा हूँ के मेरा तो यार कुछ दिमाग नहीं चल रहा है, तो मैं जा रहा पिज्जा खाने और तुम लोग आई डोंट नो रील्स देखो, सो जाओ कूलर लगा के, मैं भी जा रहा, बाय। और गाइस तो आज की वीडियो में इतना ही, हो चुके आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी और चीज के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप भी बता सकते हैं मेरे को, वैसे तो आप लोग बताते नहीं और किसी को लेन देना नहीं है, तो अब ज्यादा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होने का, आप लोग फटाफट वीडियो वगैरह बनाएंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।